हाय गाइस, मैं हूं अर्चना एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने स्टाइल किया हुआ है एक चिकनकारी कुर्ते को इन फाइव डिफरेंट वेज फॉर फाइव डिफरेंट ओकेजंस। एंड ये चिकनकारी कुर्ता मैंने अपने लिए स्टिच करवाया था। एक्चुअली मैंने दुपट्टा लिया था जो की काफी हैवी था, तो मैंने उसे कुर्ते में स्टिच करवा दिया था, तो मैंने उसी को वीडियो में स्टाइल किया हुआ है। एंड बाकी जो आउटफिट की डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन चेक देम आउट। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा। एंड वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, जो पहला लुक है वो एक कैजुअल लुक है। ये लुक आप दिन में कैरी कर सकते हैं जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर बस एक लंच पे जा रहे हैं। तो मैंने इसे डेनिम के साथ पेयर किया है जो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। डेनिम को मैंने एंकल से फोल्ड कर लिया ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा दिखे, काफ़ी फंकी दिखे। और ब्लॉक हील्स पेयर किए हैं उसके साथ। साथ में कैरी किया है स्लिंग बैग ब्लैक एंड सिल्वर कलर में। सिल्वर कलर की हैवी चांद वाली से मैंने लुक को एक्सेसराइज किया हुआ है ताकि थोड़ा सा और ड्रेसी लगे लुक। कॉलेज लुक के लिए मैंने कुर्ते को पेयर किया है ऑफ वाइट कलर के प्लाजोज के साथ। प्लाजोज में नीचे कटवर्क है। साथ में कैरी किया है बड़ा बैग। इस तरीके के बैग तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज आपको इतना सामान कैरी करना होता है। और ये बैग बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं बिकॉज आप इसे शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हो, एज अ स्लिंग भी कैरी कर सकते हो। साथ में पेयर की हैं मैंने ब्राउन कलर की जूतियाँ बिकॉज आपको कॉलेज में इतना वॉक करना होता है कैंपसेस में, तो आई थिंक इस तरीके की जूती बहुत कंफर्टेबल रहती हैं एंड ओवरऑल लुक को भी बहुत अच्छा बनाती हैं। साथ में पेयर की हैं पिंक कलर के पॉम्पॉम ईयरिंग। नाउ फॉर द ऑफिस लुक, मैंने लुक को काफ़ी सिंपल रखा है। मैंने प्लेन वाइट कलर के कॉटन के प्लाजोज के साथ लुक को कंप्लीट किया है और साथ में कैरी किया है वाइट कलर का शिफॉन दुपट्टा। आई रियली लाइक दिस लुक, आई थिंक इट इज़ वेरी एलिगेंट। एंड साथ में शोल्डर बैग कैरी किया हुआ है एंड वेजेस पहने हैं उसके साथ लाइट ब्राउन कलर में एंड बैक का कलर भी सिमिलर है। तो ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है एंड साथ में छोटे से स्टड्स पहने हुए हैं। मैंने कानों में बहुत ज़्यादा एक्सेसराइजिंग नहीं करी है यहाँ। अब इस लुक की बात करें तो इस तरीके का लुक अगर आप रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो या शाम में कहीं डिनर के लिए जा रहे हो तो आप इस तरीके का लुक कैरी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुर्ते को पेयर किया है ऑफ वाइट कलर के लेगिंग्स के साथ और वही सेम शिफॉन का दुपट्टा बस सामने से लिया हुआ है इस तरीके से, जो कि बहुत एलिगेंट लग रहा है। एक्सेसराइजिंग के लिए मैंने सिल्वर चांद वालीज और हाथ में फिंगर रिंग पहनी हुई है एंड उसके साथ मैचिंग बैग कैरी किया हुआ है सिल्वर एंड ब्लैक कलर में ताकि वो ओवरऑल लुक को कॉम्प्लीमेंट करे। एंड लुक को कम्प्लीट किया है कोल्हापुरी फुटवेयर के साथ। सो गाइस, जो लास्ट लुक है वो ट्रेडिशनल ओकेजन्स के लिए। तो लुक को हैवी बनाने के लिए मैंने यहाँ कलीदार ऑफ वाइट प्लाजोज इसके साथ पेयर किए हैं। जब मैं आप नीचे देख सकते हो तो गोटे का वर्क है जो लुक को बहुत ट्रेडिशनल बना रहा है और साथ में मैंने गोल्ड और वाइट कलर में स्लिंग बैग भी कैरी किया हुआ है। मैंने गोल्डन झुमकों के साथ जिनमें नीचे पर्ल वर्क भी है तो उन पर्ल वर्क से मैच करते हुए मैंने छोटी सी फिंगर रिंग पहनी हुई है जिसमें भी पर्ल वर्क है एंड फुटवेयर पहने हैं मैंने गोल्ड ब्लॉक हील्स। सो गाइस, ये थे सारे लुक्स। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा।